हे मित्रों, सो आज हम अपने घर की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, प्रयास क्या कर रहे हैं, हम तो जा ही रहे हैं। तो आज मैं प्योर हिंदी में वार्तालाप करूंगा मित्रों। सो ये गाइस कैसे आप सब? ओ इंग्लिश आ गई, ओहो सॉरी सॉरी। तो मैंने अभी बैग वैग पैक कर लिया है क्योंकि मैं थोड़ा घर जा रहा हूँ। और घर क्यों जा रहा हूँ वो मैं आपको अभी थोड़ी ना बता दूंगा, फिर तो आप लोग नहीं देखोगे। हाँ जी, तो मैं घर से वापस आ गया हूँ ग्वालियर। क्या कह रहा, पहुँचे भी ना और वापस आ गया। हाँ तो आ गया। तो क्यों गए थे? मैं कुएं में कूदने गया था। हाँ कसम से, विश्वास नहीं है तो वीडियो आगे देखो, सच्ची में कुएं में कूदने गया था। सो हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अभी भाई मेरे ना, मैं बैठा था ना, मेरे चुल मची के ये ना इस कुएं के अंदर होता क्या है। मेरे दिमाग में आया कि कुओं के अंदर भाई इतना ज़्यादा खौफ क्यों फैला रहता है कि कुओं के अंदर सांप है, ये है, बहुत कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो आज हमने सोचा क्यों ना जाके ट्राई कर लिया जाए। तो मैं इस गहरे कुएं के अंदर आज जाने वाला हूँ एंड ट्राई करने वाला हूँ। मेरे को डर तो लग रहा है लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरा मन किया कि चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपन भी लाइफ में मिस्टर इंडियन हैकर बन जाते हैं। तो इसके अंदर चल के देखते हैं आखिर है तो है क्या इसके अंदर। मैं जाऊँगा एंड मेरे पास है गोप्रो, आईफोन एंड एक बल्ब जो कि बिना लाइट के चलता है। तो उसके अंदर जाके अभी मेरे को चेक करना है कि होता तो होता क्या है। तो आज उसके अंदर चलते हैं। तो हाँ जी, इसके बाद क्या हुआ वो जानने से पहले मैं बता दूं कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था कसम से। मतलब लग रहा था कि हाँ आसान होगा, कुछ नहीं कूद जाओ, लेकिन इसके बाद जो मेरी हालत हुई ना वो मैं ही जानता हूँ। बस मतलब बस आप देखो भाई, कुआं बहुत ज़्यादा गहरा था और इससे पहले मैंने अपनी लाइफ में कोई ऐसा रिस्क नहीं लिया था जिससे मेरी जान जोखिम में आए। लेने जा रहा था एंड ले ही ली थी लगभग, पर मतलब देखो बस आप आगे देखो। मेरे को डर लग रहा है भयंकर, माँ कसम। अभी तो बिल्कुल रिस्क नहीं लग रहा था लेकिन अब लग रहा है। आराम, रस्सी ना टूट जाए भाई, मेरे को रस्सी और मजबूत लेनी पड़ेगी। ये देखिए इसे क्या हो रहा है। मैं तो बोल रहा था और मोटी रस्सी ले ले। नहीं भाई, रस्सी मोटी लो, मेरे को नहीं, अब मेरी फट रही है, मेरी फट रही है। रस्सी रस्सी मोटी लो भाई, ये नहीं हो पाएगा, बड़ा मुश्किल है। 100-150 फीट होगा आराम से। हाँ भाई, रस्सी पतली है और मोटी लेनी पड़ेगी भाई कसम से। मेरे को ना जब ये मैंने सोचा था कि ऐसा एक्सपेरिमेंट करूँगा तब बिल्कुल भी रिस्की नहीं लग रहा था, मैंने कहा भाई आसानी से चला जाऊँगा, लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर मैं गया एंड हाँ, फिजिक्स के जो लो लगना स्टार्ट हुए ना मेरे, तो कसम से मैंने कहा भाई रस्सी जो है वो और मोटी लेके आओ, इससे काम नहीं चलेगा, मैं मर जाऊँगा। तभी रस्सी मोटी मंगाई है, फिर जाएंगे उससे। मैं क्या क्या कर रहा हूँ वीडियो के चक्कर में, लेकिन हाँ अगर ये वीडियो वायरल नहीं हुआ तो मैं इसी कुएं में गिर के ना जान दे दूंगा अपनी कसम से। यार दिमाग खराब हो रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्की है भाई, लेकिन नीचे पहुँच जाऊँगा फिर मजा आएगा। नीचे पहुँच जाऊँगा तो डर नहीं है, लेकिन एक बार नीचे पहुँचने में थोड़ी दिक्कत आएगी बस। यस, एंड इसके बाद जो दिक्कत आई वो कुछ ऐसी दिक्कत आई कि मेरी हालत ख़राब हो गई। एंड हालत सिर्फ थोड़ी सी ख़राब नहीं हुई, इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कसम से। मैं जब उसके मतलब अंदर कूदने वाला था तब तक मेरे को लगा कि भाई रस्सी मोटी लानी पड़ेगी। एंड रस्सी मोटी लाने वाले थे हम लोग कि हम लोग, मेरे घर पे तो थी नहीं रस्सी इतनी मोटी भाई, ना ही मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट करता हूँ जिसकी वजह से मैं रस्सी वस्सी लेके आता एंड फिर मैं मार्केट भी जाके नहीं रह सकता था। तो फिर मैंने गाँव में एक दो लोगों से पूछी जिनके पास थी, तो भाई आजकल का ज़माना ही नहीं है वो वाला कि किसी की कोई मदद करना चाहे, तो मना कर दिया भाई लोगों ने कि नहीं हम नहीं देंगे अपनी रस्सी। भैया तू मर गया तो हमारी रस्सी में चली जाएगा, मतलब मेरे से ज़्यादा कीमती उनकी रस्सी हो रही है, देख रहे हो। बस फिर मैंने ठान लिया कि मैं कहीं ना कहीं से रस्सी जुगाड़ूंगा एंड रस्सी की जुगाड़ नहीं हो पाई एंड मेरे को इमरजेंसी वापस ग्वालियर आना पड़ा, क्योंकि मेरे को ये चैलेंज सोचा कल कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन अगले दिन कंप्लीट नहीं हो पाया और अगले दिन सुबह ही मैं वापस यहाँ आ गया। एंड यहाँ आते ही फिर क्या कंप्लीट कर पाता, सोचा इतना बचा है वीडियो डाल देता हूँ वरना आप लोग गाली दोगे, बिकॉज भाई करोड़ों सालों के बाद वीडियो डालते हो यार, फिर बोलते हो लाइक कमेंट नहीं करते, वीडियो में व्यूज़ नहीं आते, समझता हूँ भाई। ओके हो गया डन, बस गाली दे ली, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को एंड नहीं करना, अभी तो यहाँ पे आए हूँ तो उसके आगे भी थोड़ा बहुत ब्लॉग देख लो आप, तब तक मैं उसको एडिट करता हूँ, तब तक आप थोड़ा बहुत ब्लॉग देख के आओ। जाओ, मुझे धमकाया जा रहा है ये बंदा जो 2500 फोटो खिंचवा चुका है तब से। दो फोटो खींचे तो बोला, नहीं तो बोल क्या रहा था कि ये बोल रहा था कि अगर तूने मेरे फोटो अच्छे नहीं खींचे तो तेरे फोटो मैं अच्छे नहीं खींचूंगा। नाइस, मेरा कैमरा, मेरे कपड़े, मेरा सन, ये क्या है, एक सेकंड, इसको क्या बोलते हैं, दूरदर्शन यंत्र। अच्छा, दूरदर्शन यंत्र, ठीक है भाई, ठीक है। मेरे कपड़े नहीं, इसके कपड़े हैं, मैं नहीं खींच रहा अभी तो किसी को ये नहीं पता होगा। वो छोड़ बकवास, अभी तेरा लास्ट फोटो, उसके बाद मैं खिंचवाऊंगा, ठीक है। गाली दे दूं से, मेरे दोस्त गौरव का दिमाग खराब हो चुका है, उसे जाना है रात को घूमने, पानी पूरी खाने। माय गॉड, मेरी सुंदरता।
मैं हुस्न परा हर जगह मजा मजा राघव मैंगो जूस पी लो दोस्तों, जूस पी लो और जूस पी ले भाई। मैंने मना किया पिला भैया, पेट एक नंबर बननी चाहिए। मैंने रोटी बनाने के लिए चमीटा ले लिया, इससे मैं अपनी नाक भी पकड़ छोड़ दे, मतलब पकड़ी दूर में कहीं छोड़। यार बहुत दिन हो गए वो नहीं हुआ बीलोग में, उससे क्या बोलते हैं वो मैटिक मैटिक कुछ नहीं होता, मैटिक करके मैटिक क्या हुआ सिनेमेटिक, बहुत दिन हो गए मैंने सिनेमेटिक वगैरह नहीं बनाया, तो ब्लॉग में थोड़ा मजा मेरे को भी नहीं आ रहा एडिट करने में, जब तक मेरे को 4-6 घंटे ना लग जाए एडिट करने में तब तक कहाँ मजा आता है यार। वैसे मैं सोच रहा था कि एडिटिंग के लिए एक बढ़िया सा पीसी ले लूँ 5-6 लाख का, बट ये सोच रहा था किडनी किस साइड की बेचूँ, इस साइड वाली या इस साइड वाली, ये समझ नहीं आता, तो ना कमेंट में सजेस्ट कर दो कि किस साइड वाली किडनी बेचना सही रहेगा मेरे लिए, क्योंकि मेरे को वो लेना है एडिटिंग के लिए। इस लैपटॉप में ना बड़ी गंदी एडिटिंग होती है, अब कलर चेंज करते करते मैं थक गया, अब मेरे को थोड़ा VFX एडिटिंग करना है, मज़ा आया उसमें है ना, तो बताओ कौन सी किडनी बेचूँ। एंड वीडियो को लाइक नहीं कर रहे आजकल तुम, कमेंट भी नहीं कर रहे, मज़ा नहीं आ रहा, क्या कह रहे तुम, वीडियो ना डाला लाइक कमेंट क्या करते हैं, ये तो मेरे ऊपर ही होगी बात, मैं पहला बंदा होऊंगा शायद जो खुद की बेइज्जती करके खुद ही हंस लेता, हाँ 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 कुछ भी हो छोड़ो छोड़ो। हाँ तो अभी ना कल के ब्लॉग में कुछ स्पेशल सिनेमेटिक रखने का मन कर रहा है मेरा, वैसे मेरा फेस कैसा दिख रहा है देखो, हैंडसम हूँ मैं, हैंडसम बताओ है कोई मुझसे हैंडसम है, पोनी सुपर स्टार बन जाऊंगा मैं, ये आजकल के छपरी छोड़ो, सेंटा फ्रूट खाओ जी ब्लब पाओ। हाँ तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड खत्म दोस्तों।